तो आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, या सोप या कुछ नहीं, बस बाहर से आए और बैठ गए। हमारी स्किन सबसे नाजुक होती है, इसमें पोल्यूशन एंड डर्ट जाना सबसे ईजी है। बाहर हम जाते हैं तो हम सबसे कम जो चीज़ है वो कवर करते हैं या कवर होती है वो है हमारा फेस, और फेस की स्किन सबसे थिन होती है, तो पोल्यूशन एंड डर्ट जाना सबसे ईजी है। और अगर ये दोनों चीज़ें अंदर जाएंगी ज़्यादा तो फिर आपको पिंपल, एक्ने या स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम घर आते हैं और हम या तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, या तो फिर जो साबुन पकड़ में आए या फिर जो फेस वॉश घर पर अच्छा लग रहा है तो उसको लगा लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर ये हमें क्लीन कर देता है पर कुछ टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको पिंपल्स एंड एक्ने एंड स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम देगा। तो आप क्या करोगे, आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे, और स्किन डॉक्टर बहुत महंगे होते हैं। मैं स्किन डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा, पर वो क्या करें, जैसी स्किन वैसी प्रॉब्लम, तो फिर वो आपको वैसी ही दवाई लिखते हैं, फिर उन दवाई से उसका भी साइड इफ़ेक्ट। तो सब इन झंझटों से बचने के लिए आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, हमें फेस वॉश चाहिए या सोप चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टॉक्सिन फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेगनेंस फ्री हैं, और वीगन हैं, और प्राइस भी उनके कम है। तो आज इस वीडियो में बने रहें एंड तक, तो आपको पता लगेगा वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो पहले नंबर पर है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। ए वेट, स्किप मत करके वहाँ जाओ, बीच में भी और बातें हैं जो मिस मत करना। तो जो 5वें नंबर पर है वो है ईशा का स्नानम पाउडर। हाँ, ये सुनने में स्नानम है, पर ये आप फेस या बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब नेचुरल हैं, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है। इसमें अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है या आपकी स्किन ऑयली है, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल सपल सॉफ्ट बना देंगे और आपके एक्ने को भी दूर करेंगे। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, ओनली आपको थोड़ा सा पाउडर लेना है, अपने गालों को गीला करना है, और इस पाउडर को भी वेट करना है, और अपने गाल पर रगड़ देना है। इसको आप अच्छे से रगड़ लें, और एक मिनट, सिर्फ एक मिनट इसको रहने दें, उसके बाद आप देखेंगे ये आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देगा, और ये बेस्ट है। जो 4थे नंबर पर है वो है बायोटिक का हनी जेल फॉर्मिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश बिल्कुल आयुर्वेदिक हर्ब्स पे बना है, जैसे कि नीम, अर्जुन की छाल, हनी, और इसमें कोई केमिकल और आर्टिफिशियल कलर नहीं है। और ये फेस वॉश आपको 150 ml का है, जो आपको सिर्फ 134 में मिल जाएगा अमेज़ोन पे। 3rd नंबर पर है मामा दर्द का उक्तन नेचुरल फेस वॉश। ये फेस वॉश हार्श केमिकल से फ्री है, एंड ऑल स्किन टाइप को ये सपोर्ट करता है। बस ये फेस वॉश आपको थोड़ा सा लेना है, और अपने गीले गालों पे इसको अपनी फिंगर टिप से रब करना है, पहले गालों पे, फिर फोरहेड पे, फिर नोज पे अच्छे से रब कर लें, और उसके बाद फेस को वॉश कर लें, एकदम से क्लीन हो जाएगा फेस, और विदाउट एनी केमिकल्स। तो ये फेस वॉश मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये उपटन मिला हुआ है। ये 100 ml फेस वॉश आपको 220 rupees का मिल जाएगा अमेज़ोन पे। जो 2nd नंबर पर है वो है सिरोना का फेस वॉश, और सिरोना के फेस वॉश में फ्लैक्स सीड, एप्रिकोट सीड एंड मिंट ऑयल है। मिंट ऑयल यानी कि स्किन को धोने के बाद वो ठंडा रखेगा, और फ्लैक्स सीड के तो लाजवाब के कमाल है, आप जानते ही हैं। और भी बहुत से एक्सट्रैक्ट हैं इस फेस वॉश में, ये फेस वॉश बाकी के जो फेस वॉश है मार्केट में अवेलेबल उनसे बेटर है। ये फेस वॉश आपको 270 का पड़ेगा 100 ml का, तो इस फेस वॉश को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब आ चुका है पहले नंबर का, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और मैं अब प्रेजेंट में यही यूज़ करता हूँ और यही रिकमेंड करता हूँ, तो वो है बेसन। यस, वेट करो, पहले सुन लो फिर निकल लेना, क्योंकि ये फालतू नहीं है। बेसन इज़ वर्ल्ड का बेस्ट फेस वॉश है। क्यों? क्योंकि अकेला बेसन ही आपकी डेड स्किन रिमूव करेगा, आपके पिंपल्स हटाएगा, एक्ने हटाएगा, अगर आपको ब्लैक हेड्स की दिक्कत है वो रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, अगर आपको स्किन टैनिंग होती है तो वो टैनिंग को भी दूर करता है। इसके अलावा बेसन बहुत गुणकारी है, मतलब इनसे तो फार बेटर है जो बाज़ार में फेस वॉश है, बस इनमें नेचुरल लगा दो तो ये नेचुरल हो जाते हैं। आजकल जितने फेस वॉश आ रहे हैं उनमें बस यही लिखा हुआ है कि वो नेचुरल है, पर क्या वो सही में होते हैं? नहीं,
कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होता ही है, या फिर कुछ वो ऐसी भाषा में लिख देते हैं जो अपन के बिल्कुल परे। ऐसा नहीं है कि बेसन सिर्फ लड़कियां यूज़ कर सकती हैं, बेसन कोई भी यूज़ कर सकता है, बेसन लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ लड़के आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ, मैं ऑब्वियसली बात है बेसन यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसन उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ बच्चों के लिए बेसन अच्छा नहीं होता, उनके लिए फिर जौ का आटा अच्छा होता है, इसके लिए फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें बेसन भी रिएक्शन कर जाता है। देखो यार आप वो जो फालतू चीज़ें यूज़ कर रहे हो सोप और वो केमिकल के भंडार, उनसे तो बेटर ही रहेगा बेसन, ट्रस्ट मी उनसे तो बेटर है। और अगर ये रिएक्ट कर भी जाता है तो ये इजीली आप छोड़ दोगे तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन वो केमिकल के भंडार ठीक नहीं होंगे, उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और फिर खाओ केमिकल भरी दवाइयाँ और उनके भी साइड इफ़ेक्ट की भी फिर इलाज करो, तो बेटर है ये वाला ऑप्शन। अब आपको बेसन कैसे यूज़ करना है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट बस पानी में डाल के गीला करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेसन में कुछ मिला सकते हैं, यानी कि मिल्क मिला के यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन में लेमन मिला के यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें, कुछ लोग हनी मिला के यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे भी बेसन को यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लगा के और थोड़ी देर छोड़ दें हनी में डाल के, उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लेमन डाल के यूज़ करें तो आपकी ऑयली स्किन को रिमूव कर देगा। अगर आपकी नेचुरल स्किन है तो आप वाटर के साथ यूज़ करें, मिल्क के साथ यूज़ करें, 7 डेज के अंदर अंदर आपको फ़ायदा दिख जाएगा, आप यूज़ करके तो देखो। तो जितने भी मैंने आपको बताया फेस वॉश, उनमें जहाँ तक मैं पकड़ पाया वहाँ तक तो नेचुरल और उसमें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन वो बेस्ट फेस वॉश हैं बाकी से। तो बस यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर कर दो, लाइक तो कर दो, सबसे सस्ती चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।